जौनपुर नाम सुना ही होगा। 2024 के चुनाव से पहले ये नाम आपको और भी सुनाई देने वाला है। यूपी की ये लोकसभा सीट इन दिनों काफी चर्चाओं में है। चर्चा का कारण है यहाँ से लोकसभा चुनाव को लेकर दावेदारी कर रहे बाहुबली धनंजय सिंह और आईएएस से इस्तीफा देकर एक्टर बने अभिषेक सिंह। दोनों जौनपुर से अपनी अपनी चुनावी तैयारियों में लगे हैं, तो इस बार ये तय माना जा रहा है कि जौनपुर की चुनावी लड़ाई बाहुबली वर्सेस पूर्व आईएएस अभिषेक सिंह के बीच होने वाली है। जौनपुर से कौन होगा उम्मीदवार, अब ये सवाल उठने लगा है। दरअसल आईएएस अभिषेक सिंह का इस्तीफा मंजूर होने के बाद एनडीए की तरफ से उनको उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा तेज हो गई है। जौनपुर को अपनी कर्मभूमि बताने वाले बाहुबली धनंजय सिंह भी इस सीट पर अपनी दावेदारी को ठोक रहे हैं। धनंजय सिंह यहां से पहले भी सांसद रह चुके हैं। बीजेपी को इस सीट पर अब तक उस स्तर पर कोई सफलता नहीं मिली है। ऐसे में धनंजय सिंह पर बीजेपी दाव आजमा सकती है और ये सीट नीतीश कुमार के खाते में जा सकती है। बता दें कि धनंजय सिंह जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और वो पूर्व में जौनपुर से सांसद भी रह चुके हैं। वहीं आईएएस अभिषेक सिंह जौनपुर में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। अभिषेक सिंह ने अभिनय के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई, वहीं अब नेता बनने की राह पर है। उन्होंने आईएएस से पिछले साल इस्तीफा दिया था जिसे यूपी सरकार ने स्वीकार कर लिया। ऐसे में उनके राजनीति में आने की चर्चा तेज है और जौनपुर सीट से वो दावेदारी भी कर सकते हैं। जौनपुर के लोगों को राम मंदिर दर्शन के लिए भेजकर वो बीजेपी की राजनीति में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करते आए हैं।